No problem. No problem. बच्चों की तरह चीख रही हो, अभी तक ना दो मिनट में छलांगे लगाने लगोगी। और याद रखना, आगे से बैल को अपने पीछे नहीं, आगे भगाना। पर रोहित, मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा है, कहीं मेरा हार्ट फेल ना हो जाए। नो प्रॉब्लम, लड़कियों का दिल अक्सर उनके घुटनों में होता है, इतनी जल्दी नहीं होगा। रोहित, हेलो साहब, मैं डमरू, जरा रामनाथ को फोन देना, मुझे इंक्वायरी करनी है। अरे बेवकूफ, मैंने तेरे लिए फोन नहीं किया, मुझे काजल से बात करनी है। काजल? हेलो। हेलो बड़े पापा। कैसी हो बेटा? हम बिस्तर में हैं। हाँ? क्या हुआ? हम गिर गए थे बड़े पापा। कहाँ? कैसे? करण कहाँ था? बुलाओ उसे। बड़े पापा हम ठीक हैं, हमारी गलती थी। Don't worry, I'm fine। हाँ बेटा, तुम्हारा वहाँ दिल लग गया है ना? लग रहा है बड़े पापा, हमने तो यहाँ एक दोस्त भी बना लिया। अच्छा अच्छा, तुम्हारा दोस्त तुम्हारा ख्याल रखता है कि नहीं? बहुत ख्याल रखता है बड़े पापा। तुम्हें पसंद है? हाँ बड़े पापा, पर बोलता तो बहुत कम है, हंसता तो बिल्कुल नहीं। बेटा तुम तो पत्थर में भी जान डाल सकती हो, उसे हंसना भी सिखा दो। सिखा देंगे बड़े पापा, सब सिखा देंगे, आप भरोसा रखिए। हंसना बोलना तो क्या, उसे नाचना गाना भी सिखा देंगे। पर आप कब आ रहे बड़े पापा, हमें जरूरी बात करनी है। हाँ तो फोन पर बोलो ना बेटा। फोन पर नहीं बड़े पापा, हमें शर्म आती है, आपको यहाँ आना पड़ेगा। ठीक है मैं आऊंगा। बाय। हल्दी वाला दूध पी लो, ठीक हो जाओ। मुझे यार लाए। बिट्टू प्लीज जिद मत करो। अच्छा आंटी मैं चलता हूँ। अच्छा। बाय रोहित। गेट वेल सून। करण मेरे साथ चलो, कुछ दवाइयाँ देनी है। यार करण तुम्हें लड़कियाँ समझ में आती है? मैं कुछ समझा नहीं। कमाल है लड़कियों का, कहती कुछ है मतलब कुछ और होता है, पूछती कुछ है सुनना कुछ और चाहती है। मैं कई लड़कियों के दिल खोल के देख चुका हूँ, लगते सब नॉर्मल है मगर होते नहीं। मुझे इस मामले में कोई तजुर्बा नहीं। लकी चैप। काजल अभी तक जिंदा है, क्यों इसे मैं उसकी खुशकिस्मती समझूं या तुम्हारी नाकामयाबी? मुझे सही मौके का इंतजार है। मैं और इंतजार नहीं कर सकता, उसका कल कभी नहीं आना चाहिए। सुंदर नगर भी कमाल की जगह है, यहाँ हर जगह कोने को पॉइंट है, कहीं पे सनसेट पॉइंट है, कहीं तो लो पॉइंट है। और डमरू मैं? अरे तू तो सोसाइटी पॉइंट है। बीबी जी। धन्नो। हम्म, ये किसकी आवाज है? ये महुआ की आवाज है बीबी जी,
महुआ, इस पार की लड़की महुआ, जिसे उस पार की लड़की से प्यार हो गया था, मगर दोनों गांव में दुश्मनी थी, गांव वालों को उनका प्यार कबूल नहीं था। एक रात जब महुआ अपने आशिक से मिलने उस पार पहुंची, तो गांव वालों ने उसे मार डाला। वो रोती रही, मुझे कुवारा नहीं मरना, एक बार अपनी मांग में अपने आशिक के नाम का सिंदूर भर लूं, दिल चाहे मार डालना, मगर जालिमों ने एक ना सुनी। फिर लड़के ने जब अपनी महुआ की लाश को देखा तो वहीं पे चीखा और ढेर हो गया। उसके बाद दोनों की मजारें यहां बना दी गई। कहते हैं आज भी इन वादियों में महुआ की आवाज गूंजती रहती है। प्यार करने वालों का ऐसा अंजाम। धनो, हम इन मजारों को देखना चाहते हैं। सत के जहां गया। मेरा निकजिया तोता है, देखो किंज खिलौता है। तू डर गई? आ तो जाओ, डराता हूं मैं। सच्ची? जा जा Go!
हाथ दिखाओ। मेरी जान बचाना तुम्हारी बहादुरी थी, लेकिन जख्म को जख्म नहीं समझना बहादुरी नहीं बेवकूफी होती है। तुम्हें पता है कभी कभी छोटे से छोटे जख्म भी वक्त पर न इलाज करने से नासूर बन जाते हैं, जान भी जा सकती है। अब तुम सोचोगे तुम्हारी जान गई तो मुझे क्या, एक बॉडीगार्ड जाएगा दूसरा आएगा, और अगर तुम ये समझते हो तो तुमसे बड़ा बेवकूफ इस दुनिया में मुझे नहीं मिलेगा, और मुझे चाहिए भी नहीं, तुम काफी हो। हाँ